हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। और ये देख लो यार, ये सारे भी हैं मेरे, मेरी दो भतीजियाँ, एक वो एक वो सामने, ये ताऊ जी आ रहे हैं अभी, उससे भी ये सब थपा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? ठीक है, कितनी धूप में करना है रोटी खाने का, ये तो बात है। और भाई लोग, आप जानते हो कि यार कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल, और गर्मी का कारण भी कुछ लोग हैं, उन्होंने जो हिमाचल, आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं दिख रहा है ना आपको, ये कुछ घटिया लोगों की कारस्तानी है। आज 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, 60 भी तो बचेंगे नहीं ना बंदे, तो 50 ही होगा तो भी मरेंगे जरूर बंदे। ठीक है, बच्चों की आप न्यूज देखते होंगे तो न्यूज में दिखाते ही होंगे, क्या बोलते हैं वो, बच्चों की हालत। स्कूल में भी छुट्टियां अभी, तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछे मत यार। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे जंगल पूरे ही जला दिए हैं लोगों ने, पता क्या जैसे ताया जी नारी जमीन साफ करने जा रहे थे ना, मतलब अपनी नहीं होती है पर्सनल, तो हमने यहाँ से घास काटते हैं पर्सनल के लिए, चारा काटते हैं। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ ऊपर जमीन है और ऊपर पूरा जंगल है, तो ये ना जमीन साफ नहीं करेंगे, ये सीधा आग ही लगा देंगे, सोचते होंगे कि ये रोक लेंगे। ये देखो पूरा जंगल जला हुआ है, आने वाले टाइम में बस यही रेगिस्तान बनेगा अगर ये इन पेड़ों को संभाला नहीं गया। तो अभी के टाइम में बरसात आने वाली है, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक दो पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारे पर्यावरण प्रणाली स्वस्थ रहे। और हाँ, जिसका बर्थडे आता है फिर भी जरूर लगाएं यार पेड़, इसका बर्थडे आता है ना उस दिन भी जरूर लगाना एक पेड़, याद रहती है कि मैंने ये पेड़ लगाया था इस दिन अपने बर्थडे के दिन। हम आ गए जरेला, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखें पूरे जंगल जल चुके हैं यार इधर से, मतलब क्या बोलना यार लोगों को, शर्म नहीं। मैं कल भी वीडियो बना रहा था, आप तो मानोगे नहीं कि यहाँ एक पूरा यहाँ से ऊपर आग लगी थी। तो मैं कल आया शौक से आया तो देखा, आज से ना 3 या 4 दिन पहले बारिश हुई बढ़िया, इतनी नहीं ठीक हुई, मतलब सारी आग जंगलों की बुझ चुकी थी, पर फिर कुछ टूटने लोगों की बहुत जमा, वो आग 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 ही जल रही है, उन्होंने दोबारा से आग लगा दी। तो भाई यार ऐसा मत करो यार, पता है गर्मी का कारण भी आप लोग ही हो, ठीक है, हम नहीं है, हम क्या बात, हम जैसे लोग ही बोल रहे हो जी, ठीक है ना। लोगों में पता नहीं क्या यार, मुझे तो समझ से बाहर, ये पता नहीं करते क्या है, ये जैसे पूरा जंगल जल चुका है, आप ये काला काला देख रहे हैं ना, वो जल गया सारा कुछ, ठीक है। फिर भाई क्या है, फिर पता क्या होता है, एक मैं और बात बताऊं यार, जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं ना, जानवर रहते हैं, तो वो ना फिर हमारी फसलों को आकर खाते हैं, एक फैक्ट बता रहा हूँ, जब हम उनके जंगल ही तबाह कर देंगे, मतलब उनका घर ही तबाह कर देंगे, तो हमारे फसलों को ही खाएंगे यार आकर, फसलों को ही खाएंगे आकर, और क्या खाएंगे ये लोग, ये जानवर और तो कुछ नहीं कर, अगर मान लो हमारे घर में आग लग जाए, हम तो सड़क पे आएंगे, सड़क पे आएंगे ना। आज के टाइम में और कोई किसी का नहीं सोचता, सब मतलब ही ये रहे थे, ये भी सी बात है, मंत्री हो संतरी हो जो मर्जी हो, ठीक है, अगर आप अपना कमाना खा कमा कर खा सकते हो तो ठीक है, मेरे तलवे चाट रहे थी, ठीक है, पर वो तलवे चाटने वाला काम अपने से तो होता नहीं है, ये भी सी बात, मरने का मंजूर है, किसी के आगे झुकने का नहीं है। ये देखो पूरा जंगल जल चुका है, ये देख ले हमारे यहाँ चीर बोलते हैं चीर, समझ रहे हो, नीचे से जंगल जल चुका है, मुझे इतना गुस्सा, एक दिन तो मैं रो भी पड़ा यहाँ,
मतलब हाल से देख कर ना मतलब जंगलों के एकदम क्यों मतलब ऑटोमेटिकली आंसू आ गए, रोया गया मेरे से। क्या कर सकते हैं, अभी रो सकते हैं, देख सकते हैं आप यार। देखो यार मतलब पूरा पूरा जला दिया लोगों ने, ये देख रहे हो पूरा जल गया ना। मतलब सोसाइटी ना रहन तो बहुत गंदी है। हिमाचल में कभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं थी जितनी इस बार गर्मी पड़ी हुई है ना, जितनी इस बार पड़ रही है इतनी गर्मी कभी पड़ी नहीं थी। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ जिन लोगों ने आग लगाओ ना बहुत भर जाएगा उनके। तो मैं तो यूट्यूबर होने के बाद मैं वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे अच्छे होते हैं ना, तो मैं जो जाना मंजूर है रहने के। पर ऐसे 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 सोसाइटी में ऐसे लोग उनको ही रहने के घटिया किस्म के लोग पूरे जंगल तबाह कर दिए उन लोगों ने। मैं उधर बोलते हैं जानवर हमारी फसलें खाते हैं, फसल नहीं खाएंगे बहन तो तुम्हारे घर में घुस गए। वो बोलना भी क्या यार, इन लोगों में थोड़ी शर्म है। जंगल पूरे चल चुके हैं यार इस बार, मतलब फिर जैसे पिछली बार हुआ था ना, क्या बोलते हैं सेब हिमाचल, सेब हिमाचल के नारे लग रहे थे ना पोस्ट में डालकर, लग रहे थे ना भाई। तो यही कारण है जो हम आग लगाते हैं ना पौधे सूख जाते हैं, जमीन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, जिससे ना फिर जमीन नीचे नहीं आती ना, तो मुश्किल मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाथ से होते हैं बड़े बड़े, जमीन पूरी भर जाती है।